अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम दिखाएंगे आपको फ्यूल पंप कैसे रिपेयर करेंगे हम VST शक्ति 130DA का। ये है हेलमेट इसका, हम दिखाते हैं आपको हेलमेट कैसे लगाएंगे हम इसको और डिलीवरी वैल्यू कैसे लगाएंगे हम। चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये फ्यूल पंप है VST का, इसको हम खोलेंगे। अब सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे डीजल से अच्छे से। ये देखिए, इसको अच्छे से साफ करना है पहले। ये देखिए साफ हो गया है। अब हम इसको पहले लॉक खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका लॉक होता है। ये देखिए लॉक है इसका, ये हमने खोला। इसके बाद हम इसको, इसकी पिन होती है यहाँ पे, ये हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे पिन होती है, ये हम निकालेंगे बाहर। ये देखिए पिन इसकी निकल गई। ये देखिए अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए इसकी कैप हमने निकाल दी। ये देखिए ये हेलमेट होता है इसका। पहले मैं आपको दिखाता हूँ हेलमेट कौन सा लगता है इसमें। ये देखिए इसको हम पहले साफ करेंगे। ये देखिए हेलमेट इसका 331 लगता है इसमें हेलमेट। ये हमें चेंज करना है इसका। ये देखिए इसके बाद हम इसकी स्प्रिंग निकालेंगे बाहर। ये देखिए ये निकाला हमने सामान इसमें बाहर। अब हम इसका होल्डर खोलेंगे। ये देखिए अब पहले हम इसका होल्डर खोलेंगे। ये देखिए होल्डर हमने खोल दिया। अब डिलीवरी वैल्यू हम बाहर निकालेंगे इसका। ये देखिए ये है डिलीवरी वैल्यू इसका, ये भी हमें चेंज करना है। ये देखिए ये हेलमेट है, इसको हम अभी रखेंगे साइड में और सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ करेंगे। ये सारा सामान हमें अच्छे से साफ करना है पहले। इसको अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। हो गया साफ। ये देखिए अच्छे से हमने साफ कर दिया इसको। अब हम इसको सबसे पहले जो ये डीजल है, इधर हम नया डीजल डालेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे जोड़ेंगे हम पंप। ये देखिए सबसे पहले मैं इसकी एडजस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, एडजस्ट इसकी कैसे करनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे डॉट एक डाला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इसकी एडजस्ट हमें कैसे करनी है। या जब हम इसको पंप के अंदर डालेंगे, ये हमें डॉट जो है, ये लकीर जो है, इसके सीधे रखनी पड़ेगी। ये देखिए ऐसे रखनी पड़ेगी हमें अंदर से, बस ये अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर इधर उधर घूमता रहता है। ये देखिए अंदर से हमें इसको ऐसे डालना है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे डालूँगा मैं। ये देखिए हमने नया डीजल डाला इसमें। अब हम, ये देखिए अब हम पहले हेलमेट निकालेंगे। ये देखिए ये है नया हेलमेट इसका, पहले हम इसको लगाएंगे। और ये देखिए ये है डिलीवरी वैल्यू इसका, ये भी हमें लगाना है। ये देखिए ये डिलीवरी वैल्यू नया।
ये देखिए, सबसे पहले हमें हेलमेट उठाना है और डाल देना है इसमें पंप में। ये देखिए हो गया, इसको मैंने सीधा डाल दिया। अब हमें डिलीवरी वैल्यू ऊपर डालना है इसके। और ये देखिए इसकी वॉशर है, ये भी डालनी है हमें। इसके ऊपर हमें लगाना है अब, ये देखिए। अच्छे से ये देखिए ये हो गया टाइट। अब देखिए, अब है जो इसको एडजस्ट करनी है, अब वो लगाना है पहले हमें, जो मेन चीज है इसका। ये देखिए, इसको हमें पहले सीधे लगाना है। और इसको अंदर से हमें सीधे रखना है। ये नहीं दिखेगा आपको, ये अंदर होता है। इसको जैसे मैंने आपको अभी दिखाया वैसे ही लगाना है आपको। ये देखिए, ये मैं लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया। अब हमें इसकी जो स्पेसर है ये लगानी है। ये देखिए, अब हमें हेलमेट लगाना है। ये देखिए, ये भी मैंने लगा दिया। अब हमें इसकी कैप लगानी है। देखिए, कैप मैंने लगा दी। अब हमें इसमें पिन डालनी है। ये देखिए, ये पिन जो हमने निकाली थी, अभी हम ये डालेंगे पहले इसको। ये देखिए, ये लगा दी। अब हम इसके ऊपर लॉक लगाएंगे। ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अच्छे से ये काम कर रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ये काम करेगा। ये देखिए, सबसे पहले हम डीजल डालेंगे इसमें और इसको हम ऐसे बंद रखेंगे। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक्सीलेटर चढ़ा दिया। ये देखिए, डीजल दे रहा है। ये देखिए, अब ये कट करेगा। ये कट कर दिया। अब फिर से दे रहा है, फिर से कट कर दिया। देखिए, ये देखिए, मैंने दिखाया आप लोगों को कैसे हम पंप को खोलते हैं और जोड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ आया होगा ये। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।